सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल देव चैनल को बिल्कुल फ्री में और उसके साथ बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। व्हाट्सएप यूज नहीं करते शायद उस इंसान को ढूंढ पाना मुश्किल है, क्योंकि अभी तो स्मार्टफोन का ज़माना चल रहा है और स्मार्टफोन विदाउट व्हाट्सएप फेसबुक ये हो ही नहीं सकता। और जियो की मेहरबानी से फ्री में बहुत सारा डेटा भी मिल रहा है, तो हम सब फेसबुक व्हाट्सएप खुल के कर रहे हैं जियो की डेटा से। ओके, सो रिसेंटली व्हाट्सएप ने एक नया अपडेट लॉन्च किया है। क्या है वो नया अपडेट? न्यू अपडेट में आप व्हाट्सएप से कुछ भी भेज सकते हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर हो या फिर कोई भी जिप फाइल हो, रैप फाइल हो या फिर कोई गेम हो, एपीके फाइल हो, सब कुछ आप व्हाट्सएप से भेज पाएंगे। पहले क्या होता था, अगर आप व्हाट्सएप से कुछ भेजना चाहते हैं जैसे कि डॉक्यूमेंट्स एंड पीडीएफ फाइल, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फाइल, वो सब तो ठीक था, और उसके साथ वीडियो, पिक्चर, ऑडियो एंड कॉन्टैक्ट्स आप ये सब भेज पाते थे, लेकिन अब से आप व्हाट्सएप में सब कुछ भेज पाएंगे। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कैसे आप व्हाट्सएप से सब कुछ भेज पाएंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आई एम देव, यू आर वॉचिंग माई चैनल टेक्निकल देव। तो सबसे पहले मैं आपको प्ले स्टोर में जाके दिखाता हूँ अपडेट वर्सन कौन सा है। ओके, तो यहाँ पे मैं प्ले स्टोर ओपन करता हूँ, देन यहाँ पे व्हाट्सएप सर्च करता हूँ। ओके, देखिए व्हाट्सएप, देखिए रीड मोड में मैं जाता हूँ, यहाँ पे वर्सन देख लीजिए, वर्सन है 2.17.261, अपडेटेड ऑन July 13, 2017। आज का डेट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्राइडे July 14, तो कल ही लॉन्च हुआ है ये अपडेट। ओके, तो इस अपडेट में क्या क्या मिल रहा है यहाँ पे देख लीजिए, लिखा हुआ है व्हाट्स न्यू, यू कैन नाउ सेंड डॉक्यूमेंट्स ऑफ एनी टाइप, टू सेंड ए डॉक्यूमेंट ओपन ए चैट टैप अटैच डॉक्यूमेंट। ओके, लेकिन अगर आपके मोबाइल में ये जो वर्सन 2.17.261 नहीं मिलता है, तो आपको क्या करना होगा, बीटा वर्सन में लॉगिन होना पड़ेगा। बीटा वर्सन क्या है? बीटा वर्सन एक टेस्टिंग वर्सन है, इसमें बहुत सारे बग भी रह सकता है। ओके, तो इसलिए इसका नाम दिया गया है बीटा वर्सन। तो बीटा वर्सन यूज़ करने के लिए क्या करना होगा आपको, आप नीचे में आ जाइए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिखा रहा है यू आर ए बीटा टेस्टर, क्योंकि मैं ऑलरेडी बीटा वर्सन में हूँ। लेकिन अगर आपने बीटा वर्सन में अभी तक लॉगिन नहीं किया है, तो यहाँ पे देखिए जो लीव ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आपको मिलेगा आई एम इन ऑप्शन। ओके, मैं तो ऑलरेडी बीटा वर्सन में हूँ, तो इसलिए मुझे दिखा रहा है लीव ऑप्शन, तो आपको क्या दिखाएगा, आई एम इन ऑप्शन, लीव के जगह मिलेगा आई एम इन। ओके, तो आपको आई एम इन के ऊपर टैप करना पड़ेगा। आई एम इन के ऊपर टैप करने से कुछ मिनटों के बाद आपका बीटा वर्सन में लॉगिन हो जाएगा, देन आप अपडेट कर लीजिए। ठीक है, तो अब मैं आपको व्हाट्सएप खुल के दिखाता हूँ। चलिए व्हाट्सएप खुल चुका है, तो यहाँ पे मैं एक कॉन्टैक्ट को चूज कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं क्लिप के ऊपर टैप करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ऑप्शन आ रहा है डॉक्यूमेंट्स, ये तो पहले से ही था, तो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर मैं टैप करता हूँ। यहाँ पे देखिए क्या दिखा रहा है, देखिए डेट फाइल भी आप यहाँ से सेंड कर सकते हैं, और क्या फाइल है, सब कुछ फाइल आप देख सकते हैं, ऑप्शन आ रहा है, तो आप सब कुछ फाइल यहाँ से सेंड कर सकते हैं। वी सी एफ फाइल तो पहले से ही था, कॉन्टैक्ट फाइल, JPG तो इमेज फाइल है, और क्या है PDF फाइल शो कर रहा है, यहाँ पे APK फाइल शो कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे मैं ब्राउज अदर डॉक्स के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ से मैं इंटरनल SD कार्ड में जाता हूँ, यहाँ पे देखिए जैसे ऐप के अंदर मैं जाता हूँ, यहाँ पे देखिए सब कुछ ऐप यहाँ पे शो कर रहा है, अगर आप किसी भी एक ऐप को चूज़ करके सेंड कर देते तो चला जाएगा। ओके, तो मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे मैं टैप कर देता हूँ, ओके सेंड माई पियानो टू कॉन्टैक्ट सेंड, देखिए APK फाइल जा रहा है। ओके, तो मैं यहाँ से क्रॉस कर देता हूँ। ओके, तो इस तरह से आप सब कुछ यहाँ से भेज पाएंगे, APK फाइल हो या फिर .exe फाइल हो या फिर कोई भी जिप फाइल, रैप फाइल,
और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स फाइल आप यहाँ से भेज सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको व्हाट्सएप की इस नए अपडेट के बारे में सब कुछ पता चल गया है। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और भी इस तरह का बहुत सारे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।